भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले को बारिश के कारण रद्द किया गया और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के सभी फैंस को निराश होना पड़ा। मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों को एक एक पॉइंट के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा और साथ ही पाकिस्तान सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर गया। और अब बात कर ले कि कल के मुकाबले में हुआ क्या, तो सबसे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, फिर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने अपना कहर दिखाया और महज 66 रन के स्कोर पर हमारे टॉप फोर को पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के सामने पहली बार खेलने आए ईशान किशन ने अपना कमाल दिखाया और 81 गेंदों में 82 रन ठोक डाले और इनका साथ देने आए हार्दिक पांड्या ने भी बेखौफ बल्लेबाजी की और 90 गेंदों में 87 रन की एक शानदार पारी खेली और इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण भारत गेम में वापस आ गया और एक फाइटिंग टोटल बोर्ड पर लगा दिया। और जैसे ही भारत की बल्लेबाजी खत्म हुई उसी के साथ बारिश बहुत तेज होने के कारण वेट करना पड़ा और ये वेट खत्म नहीं हुआ, अंपायर ने मैच को रद्द कर दिया और ये बात तो तय थी कि अगर मैच पूरा होता तो एक कांटे की टक्कर देखने मिलती। अगर अब भारत को भी पाकिस्तान की तरह सुपर फोर में क्वालिफाई करना है तो 4 सितंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस नेपाल मुकाबले में टीम इंडिया को हर हाल में जीतना ही होगा और अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो ये आप मान कर चलिए कि 6 सितंबर को भारत और पाकिस्तान एक बार फिर भिड़ेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर मुकाबला पूरा होता तो इंडिया जीतता या पाकिस्तान, कॉमेंट में जरूर बताएं।